and therefore was educating himself. मैंने जब ये खबर सुनी कि हमारे टंगमर्ग में इस गांव में ये दो लड़के MBBS उन्होंने क्वालिफाई किया है, मैं बहुत ही खुश हुआ और इस वक्त मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ कि ताकि मैंने ये समझा है कि ये हमारे लिए रोल मॉडल है। तो मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि उन बच्चों को भी जिनका ये ज़रूर जो पढ़ते कम है, जिनको ये अपनी लगन के साथ अपने मेहनत के साथ ये काम करना है जो इन दो बच्चों ने किया है। मेरे टीम अभी वहाँ यहाँ पे हैं, कुंजर का जो एरिया है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, अभी हम वहीं पे हैं और मेरे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं कल जो ट्विन ब्रदर्स ने जो नीट का एग्ज़ाम यहाँ पे क्वालिफाई किया हुआ है, मेरे जो साथ वही दो ब्रदर्स भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप दोनों भाई का मुबारक, मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और मेरे आलिन ग्लोबल प्रेस मेरी तरफ से आप दोनों को बहुत मुबारकबाद और आपकी फैमिली को भी मुबारकबाद। शुक्रिया। और आप मुझे बता दीजिए पहले, मतलब जब आप लोगों ने कल सुना था कि आप लोगों का नीट क्वालिफाई हुआ है, उस टाइम पे आप लोगों की कितनी खुशी हुई थी? उस टाइम पे जितनी खुशी हुई थी उतनी एक्सपेक्टेड थी, बट जो नेक्स्ट डे था वहाँ पे जो हमें खुशी मिली या जो मोमेंट्स हमारे पास आए, वी आर नेवर एक्सपेक्टेड दिस मोमेंट्स। हमने इन मोमेंट्स को ख्वाब में भी नहीं सोचा था, इतने अच्छे मोमेंट्स आ जाएंगे। एंड फॉर दिस आई थैंक ऑलमाइटी। आप दोनों की जो मतलब स्कूलिंग हुई थी वो पहले कहाँ से हुई थी? इस्लामिक पब्लिक मॉडल मिलन स्कूल तकिया बटपुरा, जो कि यहीं पे गांव में एक छोटा सा स्कूल है। इसके बाद हमने नाइन्थ और टेंथ मोहम्मदी हाई स्कूल कुंजर से किया, फिर हमने 11th और 12th का एडमिशन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कुंजर से किया। मगर इस दौरान जो हमने नेचर इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक साइंसेज परेपुरा को ज्वाइन किया, जिन्होंने हमें प्रॉपर गाइडेंस दी कि नीट को कैसे क्रैक किया जाता है। अच्छा, आप मुझे बता दो मतलब स्कूलिंग जो आपसे हुई थी पहले, आप लोगों ने पहले से डिसाइड किया था हमें नीट के लिए शामिल होना है? जो हम जब 10th तक थे हमें पता नहीं था MBBS कैसे क्वालिफाई किया जाता है। तो पापा ने बताया कि JKCET करना होता है, लेकिन उसमें फ्रॉड हो गया था जिसकी वजह से वो कैंसिल हो गया। तो उसके बाद नीट करना होता है, तो नीट पापा को नहीं पता था, लेकिन पापा का अगर बताएंगे तो वो मेडिकल फील्ड था पुराना उसका, लेकिन 12th उसने क्वालिफाई नहीं किया था उस वक्त 1999 में। तो उसका जो शौक था मेडिकल में जाने का, वो हम पे वो अब पूरा करना चाहता था। वी हैड द कैपेबिलिटी दैट वाई ही थॉट अबाउट दैट। तो उसने हमें नेचर भेजा, उसके पास उतनी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी कि वो हमें डायरेक्टली नेचर भेजे, लेकिन वहाँ पर हमें कंसेशन का एक मौका मिला डॉक्टर बिलाल सर से। यहाँ के एजाज सर ने हमें एक्चुअली उससे मिलाया, वो उनके साथ थोड़ी रिलेशन है एजाज और डॉक्टर बिलाल सर के साथ। तो उसकी वजह से हम वहाँ पर गए, 50% कंसेशन में फीस में हो गई, मतलब एक को फ्री पढ़ाया गया 11th में। 12th में हमने फिर स्कॉलरशिप दे दिया, फ्री हो गया और धीरे धीरे हमारी फाइनल कंडीशन इंक्रीज हो गई। ठीक, ऑलमाइटी का शुक्र है कि उसने फिर इसको सुधारा। उसके बाद जो है हमने नीट जो है नीट की जो तमाम रिक्वायरमेंट्स है वो हमने नेचर से सीखी। उसके बाद लेकिन हालात ख़राब हो गए, 2019 में हम नीट दिए, लेकिन वो हम BDS हो गए, 498 मेरे थे इसके 524, तो इसका कट थ्रोट हो गया उस वक्त क्योंकि वॉज एट द बॉर्डर लाइन। सो मेरा ज़्यादा नहीं था, लेकिन डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क एंड थिंग्स विच आई लर्न फ्रॉम माई फेलियर इन 2019 दैट मे बी टू ब्लूम इन दिस यू केम हियर टू मी। एंड बहुत मतलब मुश्किल टाइम गुजरा था इससे पहले जो लॉकडाउन का इशू था पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड में, जो अभी लॉकडाउन का इशू पहले से ही था, और उसके बाद फिर जम्मू एंड कश्मीर में तो आपको पता ही है 2G इंटरनेट सर्विस था यहाँ पे, उस टाइम पे मतलब कितना मुश्किल था आपको आपके लिए पढ़ना? मतलब कि जो कोरोना वायरस से जो सिचुएशन पैदा हुई दैट वाज टोटली डिप्रेसिंग एंड दिस वाज अनबियरेबल। The major impact on our studies were examinations. We had expected the examination on 3rd May, but it was postponed during which whole timetable got disturbed. This was the only impact. When I will say about 2G internet services, as we had already cleared our syllabus from Nature Institute of Basic Sciences, so we didn't require much internet service for studies. But a little bit for a few chapters, few concepts, we had to what you can say obtain from internet sources like YouTube, etc. At that situation, we found a little bit difficulty. Okay, what kind of you have to those students who are very curious to qualify the I can say only thing, when they are just starting the things it will be very difficult to start, but when they enter in the syllabus the things will become easier. As we know, when going gets tough and tough gets going, I will say who are now in the aspiration to crack the NEET, maybe in the 10th, 11th, 12th, or who are the droppers right now, the which are in the depression is the class which have failed right in the NEET 2020. Because I've explained this thing, now I want to say that one thing them to them, that my story is motivation to them.
बिकॉज आई वॉज अ फेलियर इन 2019. नाउ दे टेक इट, वेयर आर द फेलियर्स, वॉट आर द वीक पॉइंट्स इन देयर सिलेबस, दे टू कवर देम. फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव एन एग्जाम्पल, सर्फेस टेंशन वॉज वीक इन वी से फ्लूइड मैकेनिक्स इन द फिजिक्स. That does not mean I will not attend this now. If I had not attended this year question, I had not attempted. That means I had lost 5 questions, 5 marks. Score was then 6-4-5. It was dangerous. If it has been a borderline, for example, the cutoff was 600. I had done this mistake. What was my score? 595. I was dropped. Again, I was in the depression. So what the thing is, every question is segmented in the neat. Take it carefully. आपको कोई difficulty है, उसको clear करना है neat exam से पहले पहले. जो ड्रॉपर्स हैं उनके लिए मैं ये मैसेज, जो 11th और 12th के उनके एनसीआईटी पढ़नी है वो सिलेबस फुल कंप्लीट करना है. ऐसा नहीं कि आउटगोर मॉड्यूलेशन कर उनके इसको कंप्लीट करना है, सीधे करना है कंप्लीट पूरा. ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू बोथ ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी आल्सो. होप दैट योर फ्यूचर विल बी गुड थिंग्स फॉर यू. नाज़रीन, ये थे हमारे साथ कुंजर का एरिया जो यहाँ पे हम आ चुके थे, और ये थे हमारे साथ वही दो भाई जो जिनने कल यहाँ पे नीट का एग्जाम. आप लोगों का बहुत बहुत मुबारक. शुक्रिया गांव को, आपके पूरे गांव को बहुत बहुत मुबारक. शुक्रिया शुक्रिया. तो आप बता दीजिए पहले इनके बारे में, इनकी स्कूलिंग पहले कहाँ से हुई थी, और इनके जो वालिद है, वालिद साहब हैं, उनके बारे में कुछ बता दीजिए, इनकी फैमिली के बारे में कुछ बता दीजिए. सही 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 सही. ठीक है, जो इनकी जो इब्तदाई तालीम है वो इधर हमारा एक प्राइवेट स्कूल है, इस्लामिया पब्लिक मॉडल स्कूल है. 8 तक उन्होंने वहाँ तालीम हासिल की है. उसके बाद हमारा हाई स्कूल इधर नज़दीक में पड़ता है, प्राइवेट हाई स्कूल है महमदिया हाई स्कूल, उधर उन्होंने 9th और 10th पास किया है. उसके बाद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, उसके बाद उन्होंने एक टारगेट बनाया है अब हमें कुछ करना है, तो उसके बाद ही श्रीनगर चले गए. उन्होंने उधर से एक उधर इंटरेस्ट दिए है, उधर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उधर उन्होंने इंटरेस्ट दिए है. हाँ, फिर उधर उनका एडमिशन किस बुनियाद पर हुआ, वो मतलब पैसों के बुनियाद पर नहीं हुआ, बल्कि स्कॉलरशिप बुनियाद पर, स्कॉलरशिप बुनियाद पर. ठीक है, हाँ हाँ. जब आप लोगों को मतलब ये मैसेज आई थी, मतलब आपने सुना कि दो भाई एक ही फैमिली में मतलब उन्हें क्वालिफाई किया हुआ है नीट, उस टाइम पे आपकी कितनी खुशी हुई थी? मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं उस वक्त श्रीनगर में था. ठीक है, मैं खुद भी एक टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ. हाँ, मेरी जो हार्ट बीट है पूरे दिन धड़क रही थी, इस वजह से कि हमारा जो गाँव है एजुकेशन के हिसाब से, मैं आपको पूरी तरह से वाजह करना चाहता हूँ, थोड़ा बैकवर्ड है यहाँ, बैकवर्डनेस है इधर हमारे गांव में. ठीक है, हम चाहते थे जो इधर एक अंधेरा छाया हुआ है, बैकवर्डनेस है एज पर एजुकेशन, अगर हम एजुकेशन की बात की जाए तो इधर बैकवर्डनेस है. इसको कोई ऐसा तारा होना चाहे जो इस अंधेरे को पूरी तरह से ख़त्म करके एक रोशनी पूरे इस गाँव में फैलाए, और उस रोशनी का सहारा हमारे कोई और नहीं बना है, बल्कि इस रोशनी का सहारा शाकिर और गवर बना है. इसका क्रेडिट हम इन दोनों बच्चों को देते हैं. हाँ, इनके वालिद साहब का नाम क्या है? इनके वालिद साहब का नाम है बशीर अहमद. अच्छा, इनके वालिद साहब करते क्या है? इनका वालिद साहब कोई, मैं आपको ये बात भी बताता चलूँ क्या, कि आपके माध्यम से पूरी माशरे को, पूरे इलाके को ये मैसेज होनी चाहिए कि इनका वालिद जो है कोई गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं है, इनका वालिद कोई बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि एक फेयर शॉप होता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो तो प्राइवेट मुलाजिम है समझो, वो तो उधर से 5,000 या 10,000 तक कमा सकता है. और क्या मैसेज अभी आप देना चाहते हो जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जिनकी मतलब अभी क्यूरियसिटी है कि मतलब नीट क्वालिफाई करने की, उनके लिए आपकी क्या मैसेज है? हाँ, चूँकि आप इन बच्चों से भी बात कर सकते हैं, इनसे भी पूछ सकते हैं, लेकिन मैं अपनी व्यूज एज ए टीचर, और मतलब मेरा इन बच्चों से इब्तदा से ही, जब ये छोटे थे, मैं उनको पढ़ाता था, रिलीजियस एजुकेशन उनको मैं प्रोवाइड करता था, या मैं एक उर्दू टीचर हूँ, मैं उनको उर्दू पढ़ाता था, मैं उनको आपको ये